वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साउथ सिटी पीसीएमबी के चैनल पे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा और उससे बहुत फायदा भी आपको मिला होगा। इसके पहले का जो हमारा वीडियोस था कि ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स विद इन वन वीडियो, वो आप लोगों ने देखा होगा। अब इसके बाद आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो टॉपिक बच्चों को बहुत परेशान करता है और वो है क्लींजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सोप और क्लींजिंग एक्शन ऑफ द सोप या हाउ द मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो ये टॉपिक टोटली जुड़ा हुआ है सोप्स एंड डिटर्जेंट से, ठीक है। किससे जुड़ा हुआ है? सोप्स एंड डिटर्जेंट से। तो आइए पहले हम जानते हैं कि सोप्स होते क्या है। ये साबुन जिसे हम लोग कहते हैं सोप, ये होता क्या है? तो बेसिकली एक टर्म आता है सिंडेट, SYNDET, सिंडेट। सिन का मतलब होता है सिंथेटिक और डेट का मतलब होता है डिटर्जेंट। क्या होता है? डिटर्जेंट। तो बेसिकली सोप्स जो होते हैं ये भी हमारे एक टाइप के डिटर्जेंट होते हैं। हर वो चीज जो सफाई करे कहीं ना कहीं वो डिटर्जेंट की कैटेगरी में आता है। जिसमें सोप और डिटर्जेंट, जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स को हम देखते हैं, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो हम सोप की बात कर रहे हैं तो ये देखो सोप देखने जा रहे हैं हम लोग। वन, एक पॉइंट को हम लोग वन मान लिया, वन कार्बन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन COO माइनस Na प्लस। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन COO माइनस Na प्लस, या इसकी जगह पर हम K प्लस भी रख सकते हैं, ठीक। अब बात आती है कि सोप क्या होता है, ठीक। तो सोप यही है हमारा, जो सांप बना हुआ है ना, यही सोप है। सर सांप और सोप कैसे? हाँ बिल्कुल, कोई खास डिफरेंस नहीं है। बस ये सांप का जो फन है, ठीक है, ये बेसिकली पहले क्या था? COH था, तो इसका नाम था पामिटिक एसिड। क्या नाम था? पामिटिक एसिड, यानी कि C15 और H कितना हो जाएगा? 15 टू जा 30 प्लस 2 32, तो यहां पर एक निकाल देंगे और उसकी जगह पर COH लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि C15H32 अगर होता, ठीक है, तो जैसे अनडेकेन, डोडेकेन, फिर ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, फिर कह सकते हैं कि ये हमारे 15 16 17 18 19 20 तक चल रहा है हमारा। तो जैसे हमने 11 के, आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, ऐसे पढ़ा होगा, जैसे एक का मैथ पढ़ा है ना, मीथेन इथेन प्रोपेन, तो ऐसे जब 10 हो जाता है उसे डेकेन बोलते हैं, 11 को अनडेकेन बोलते हैं, 12 डोडेकेन, फिर ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन। तो जैसे पेंटाडेकेन मतलब कि 15, ठीक है, 5 10 के ऊपर, तो पेंटाडेकेन। तो ये हो गया पेंटाडेकेनोइक एसिड। क्या हो गया? पेंटाडेकेनोइक एसिड। पर ये नाम जनरली सोप के लिए बोले नहीं जाते हैं, इसका कॉमन नेम बोलते हैं, दैट इज पामिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? पामिटिक एसिड। नीचे वाले का नाम होता है स्टीयरिक एसिड। क्या होता है? स्टीयरिक एसिड। ऐसे ही 17, जब 17 कार्बन होते हैं, C17, तो C17 हो गया। H कितना होना चाहिए? 36, 17 टू 34 प्लस टू 36, तो C17H35COOH, दिस इज स्टीयरिक एसिड। ऐसे ही होता है ओलेइक एसिड, ऐसे ही होता है लिनोलेइक एसिड। तो होता क्या है कि ये जो एसिड होते हैं, जब ये वीक एसिड्स होते हैं, कैसे एसिड्स होते हैं? वीक एसिड्स। ये क्या होते हैं? वीक एसिड। और इन वीक एसिड्स का जो रिएक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड से होता है। किससे होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। या हम इसकी जगह पर वी कैन टेक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि C17H35COONA या C15H31COONA या C15H31COOK इज बीइंग फॉर्म्ड, ठीक। तो उसे हम कहते हैं सोडियम पामिटेट, सोडियम लिनोलेट, सोडियम ओलिएट, सोडियम स्टीयरेट। ये सोप होते हैं। यानी कि व्हाट इज सोप? सोप इज सोडियम पामिटेट। व्हाट इज सोप? सोप इज सोडियम ओलिएट। व्हाट इज सोप? सोप इज सोडियम स्टीयरेट। तो ये जो सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इन्हीं को हम लोग सोप कहते हैं। तो सोप के बारे में अगर हम कहते हैं तो सोप्स आर द वाटर सॉल्युबल, सोप्स आर द वाटर सॉल्युबल लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ठीक है। सोप जो होते हैं ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं। किन चीजों के होते हैं? ठीक है, हैविंग क्लींजिंग प्रॉपर्टीज इन द वाटर, जिनके अंदर क्लींजिंग प्रॉपर्टीज होती है। तो सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स विच आर हैविंग क्लींजिंग प्रॉपर्टीज इन वाटर आर कॉल्ड सोप। आई रिपीट इट अगेन, द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड्स विच आर हैविंग द क्लींजिंग प्रॉपर्टीज इन वाटर आर कॉल्ड सोप्स। नाउ एज वी नो दैट एसिड्स आर वीक, हम जानते हैं कि एसिड्स कैसे हैं? वीक। बट बेस इज स्ट्रॉन्ग,
बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग। तो जब एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो जो सोल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, बेसिक सोल्यूशन। क्यों, सोप सोल्यूशन बेसिक होगा ना। तो अगर कोई पूछता है कि भाई सोप सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन है, इट्स ए न्यूट्रल सोल्यूशन, इट्स एन एसिडिक सोल्यूशन और इट्स ए बेसिक सोल्यूशन। सो सोप इज ए बेसिक सोल्यूशन। व्हाई सोप इज ए बेसिक सोल्यूशन, बिकॉज व्हेन सोप इज बीइंग फॉर्म्ड द एसिड विच इज बीइंग टेकन इज ए वीक एंड द बेस विच इज टेकन इज स्ट्रॉन्ग। सो स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट्स द बेसिक सोल्यूशन। क्या हो जाता है, बेसिक सोल्यूशन। अब जो ये बेसिक सोल्यूशन हमारे सामने बना है, ये जो बेसिक सॉल्यूशन हमारे सामने बना है, इसके अंदर अगर हम रेड लिटमस डालेंगे तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ब्लू। ये रेड लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। तो अगर रेड लिटमस को ब्लू कर दे रहा है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, बेसिक सॉल्यूशन हो गया। ठीक, अब बात आती है कि इसमें जो ये टेल है, ये टेल क्या कर रहा है। तो जो ये टेल है, ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन टेल, ठीक है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल, ठीक है, दिस इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ये कैसा हो गया, हाइड्रोफोबिक। और ये जो आयोनिक एंड है, जो ये आयोनिक एंड है, जो इसका फन है सांप का, ठीक है, आयोनिक एंड, दिस इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ये कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। भाई बात आती है कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक क्या है, ठीक है। तो बहुत पहले की बात है कि जब किसी को कोई कुत्ता काटता था तो ये जानने के लिए कि कुत्ता पागल है या सही है, ये व्यक्ति किसी पार्टिकुलर बीमारी से पीड़ित हो गया है या नहीं है, उसको हम लोग जो वेल होता था यानी कुआं, उसको दिखाया जाता था कि इसको झांक कर देखो, और झांकने पर अगर कुएं को देखने पर उसे डर लगता था तो उसके अंदर पानी भरा होता था, उसे हाइड्रो कहते थे, और फोबिया का मतलब डर, तो यानी पानी से जब डर लगे तो उसे कहते थे हाइड्रोफोबिया। तो जो बेसिकली वाटर हेटिंग होते हैं या वाटर रिपेलिंग होते हैं उन्हें हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं, और फिली मतलब होता है अट्रैक्टिंग, तो जो वाटर को अट्रैक्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। अगर वाटर की जगह पर कोई और सॉल्वेंट है तो वहां पर वर्ड यूज करेंगे हम लायो, तो यानी क्या हो जाएगा, लायोफोबिक लायोफिलिक। फॉर एग्जांपल कोई चीज पानी में डिसॉल्व हो जा रही है तो वो हाइड्रोफिलिक है, पानी के अलावा किसी और चीज में, बेंजीन, एल्कोहल, ईथर, एसीटोन, किसी में सॉल्वल हो जा रही है तो वो लायोफिलिक, और अगर वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो रही है तो वो हाइड्रोफोबिक, किसी और चीज में डिसॉल्व नहीं हो रही है तो लायोफोबिक, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दो चीजें हमारे सामने आती हैं। अब बात आता है कि मतलब क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे ये डर्ट को साफ करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो ग्रीस होता है, ग्रीस, ठीक है, द कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट इन ऑयल, जब ग्रेफाइट को तेल में मिला के कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं, दैट इज नोन एज ग्रीस। तो जो ग्रीस होता है या ऑयल होता है, ऐसे डर्ट जो होते हैं, ये आसानी से नॉर्मल वाटर से साफ नहीं होते हैं, तो इनको साफ करने के लिए वी हैव टू अप्लाई सोप, हमको सोप अप्लाई करना पड़ता है। तो सोप अप्लाई करने के बाद ऐसा क्या होता है कि ये साफ हो जाता है जो डर्ट हमारा होता है, तो उसी के लिए मैंने आपके सामने ये क्लींजिंग एक्शन रखा है। तो पहले बिल्कुल सिंपल भाषा में हम आपको बताते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में, वो क्या है कि हमने लिया एक टब, क्या लिया, टब, टब के अंदर हमने उस कपड़े को डाल दिया जिसके अंदर ग्रीस या डर्ट लगा हुआ है, उसको डालते ही क्या हुआ, जब उसको हमने ऐसे रब किया तो वो साफ नहीं हो रहा था, हमने अप्लाई किया सम सोप, उसके अंदर सोप डाल दिया, डिटर्जेंट डाल दिया, उसके डालते ही क्या हुआ कि जो ग्रीस था या ऑयल था, दैट वाज हाइड्रोफोबिक, वो हाइड्रोफोबिक था, वो पानी में घुल नहीं रहा था, लेकिन जो सोप था वो क्या था, हाइड्रोफिलिक, वो पानी में घुल रहा था, एंड ये जो डर्ट था, ये डर्ट जो है ये सोप को अट्रैक्ट करता था, डर्ट, ये डर्ट है, दिस इज ए डर्ट, ठीक है, एंड आई एम सोप, सो आई अट्रैक्टेड डर्ट, यानी कि डर्ट को किसने अट्रैक्ट किया, सोप, एंड सोप इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द वाटर, और सोप को किसने अट्रैक्ट किया, वाटर ने, और वाटर है कहां, बाल्टी में, बाल्टी से पानी को बाहर फेंका गया, पानी के साथ साथ क्या चला गया, सोप, सोप अपने साथ में क्या ले गया, डर्ट, एंड इन दिस वे द डर्ट इज बीइंग क्लीन। कैसे लिखेंगे इसके आंसर को, हम वहां तो एग्जाम में तो लिखेंगे नहीं कि बाल्टी, बाल्टी के अंदर ये साबुन और बाल्टी के अंदर ये गंदगी और ऐसे साफ किया, ऐसे फेंक दिया, कुछ नहीं मिलता है, स्टोरी लिखने में तो ये लिख ही सकते हो बाकी। तो हम लोग यहां पर देखते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में, ठीक है, आप ध्यान से देखिए, इसको स्क्रीन पे है आपके, कि ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, जब हम पानी में इसको डिसॉल्व करते हैं तो सोप मॉलिक्यूल्स आयोनाइज टू गिव लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलेट एनायन, कि जब हम लोग पानी में इस सोप मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व करते हैं तो ये आयोनाइज होके एक लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलेट आयन एंड सोडियम और पोटेशियम कैटायन टू रिमूव ग्रीसी एंड ऑयली सब्सटेंसेस फ्रॉम योर बॉडी, ठीक है, यानी कि पानी में जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो सोप मॉलिक्यूल आयोनाइज होके एक लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलेट एनायन बनता है, साथ में सोडियम या पोटेशियम कैटायन जो रिमूव करता है ग्रीसी या ऑयली सब्सटेंसेस को, वो भी प्रेजेंट होता है अपनी बॉडी पे, मतलब कि यहां पे, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 का होल 16 CONA, ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं 16 ये और एक 1 17, तो C17
एच कितना हो गया 16 × 32, ठीक है, और 33 × 35, तो सी 17H35 CONA सोडियम स्टीयरेट, ठीक है, ये ब्रेक हुआ तो ये क्या हुआ, स्टीयरेट आयन बना, साथ में सोडियम कैटायन बन गया, ठीक। द कार्बोक्सिलेट एनायन जो एक्टिव आयन है सोप मॉलिक्यूल का हैज लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, इसकी एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन है जिसे टेल हम लोग बोलते हैं, विच इज ये टेल क्या हुआ, टेल विच इज हाइड्रोफोबिक, जो क्या है हाइड्रोफोबिक, ये देखो ये ऐसे करके ये हमने दिखा, दिस इज द मिसल फॉर्मेशन, ये सोप मिसल का फॉर्मेशन है, इसमें जो हाइड्रोफिलिक एंड है यानी कि कह सकते हैं जो हेड है वो हेड कहां है आउटवर्ड्स, ठीक है, और जो टेल है इनवर्ड्स, ठीक है। यहां पर हमने दिखाया कैसे सोप मिसल जो होते हैं ये एंट्रैप करते हैं ऑयली और ग्रीसी स्ट्रेन को, ये हम देख पा रहे हैं ये इस तरीके से मिसल फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है, बीच में डर्ट्स हैं, ये टेल एंड है, सारी पूंछ जो है वो एक तरफ आ जाएगी डर्ट की तरफ और सारे आयनिक एंड जो हो जाएंगे दैट विल मूव टुवर्ड्स आउटसाइड, ठीक है। तो हमने कहा कि जो ये कार्बोक्सिलेट एनायन जो एक्टिव आयन होते हैं सोप मॉलिक्यूल के, इनके पास एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होती है जो हाइड्रोफोबिक होती है, क्या होती है हाइड्रोफोबिक, दैट इज वाटर हीटिंग एंड चार्ज्ड CO माइनस, और जो चार्ज्ड CO माइनस होता है इज हेड ऑफ द चेन, वो क्या होता है चेन की हेड होती है, विच इज हाइड्रोफिलिक, जो क्या होता है वाटर लविंग, क्या होता है वाटर लविंग इन नेचर। When a soap is dissolved in water, जब साबुन को हम पानी में घोल देते हैं तो ये chains जो होते हैं these chains, these form micelles, ये क्या बना लेते हैं micelles बना लेते हैं। When a soap is applied to the wet cloth, अब जब soap को हम गीले कपड़े पे apply करते हैं तो क्या होता है body पे the oil और greasy stains with embedded dirt gets trapped into the interior of the micelle and are removed, तो जो उसमें dirt या grease या गंदगी होती है वो इसी micelle में entrap हो जाते हैं, फंस जाते हैं और उसी के साथ साथ ही remove हो जाते हैं, क्योंकि इनके लिए एक जाल बिछाना पड़ता है, तो ये साबुन का एक जाल होता है जो बिछाया जाता है, और उस साबुन के जाल क्या बनाते हैं वो एक प्रकार का ऐसा जाल बनाते हैं जिससे हम लोग मिसल कहते हैं, और उस मिसल में क्या होता है कि जो डर्ट होता है या इंप्योरिटीज होती है वो एंट्रैप हो जाती हैं, और जब इनको वॉश किया जाता है तो वो भी साथ में निकल जाते हैं। तो हमारे एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन सोप्स, सोप्स क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड सिंस द एसिड्स आर वीक एंड द बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रांग सो द सोप सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, तो सोप सॉल्यूशन कैसा होता है बेसिक इन नेचर होता है, एंड दैट्स व्हाई इफ वी आर गोइंग टू ऐड एनी रेड लिटमस पेपर इन द सॉल्यूशन इट बिकम्स ब्लू, वो कैसा हो जाएगा ब्लू हो जाएगा। और उसके बाद आता है कि एक्सप्लेन द क्लींजिंग एक्शन ऑफ द सोप या क्लींजिंग मैकेनिज्म ऑफ द सोप, ठीक है, तो उसमें हमको यही लिखना होता है कि ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, जब हम पानी को पानी में डिजॉल्व करते हैं तो सोप मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाते हैं, तो वो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलेट एनायन देते हैं और साथ में सोडियम पोटेशियम कैटेशियम सोडियम पोटेशियम के कैटायन देते हैं जो रिमूव करते हैं ग्रीस या ऑयली सब्सटेंस को जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक। और ये हमने देखा रिएक्शन कि सोडियम स्टीयरेट है जो ब्रेक होके स्टीयरेट आयन दे रहा है, साथ में सोडियम कैटायन रिलीज कर रहा है, जो कार्बोक्सिलेट एनायन होता है यानी कि आयन ऑफ द सोप मॉलिक्यूल, उनकी लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होती है जिसे टेल कहते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, दिस इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, और जो हेड होता है दैट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, जो हेड उसका होता है कैसा होता है हाइड्रोफिलिक होता है। अब फिर क्या होता है जब सोप को हम लोग इसमें डालते हैं डिजॉल्व करते हैं पानी में तो ये चेन्स होती हैं, ठीक है, ये बना लेती हैं मिसल्स, क्या बनाती है मिसल्स, और जब सोप अप्लाई किया जाता है वेट क्लोथ के ऊपर इन दैट केस द ऑयली और ग्रीसी सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इज बीइंग एंट्रैप्ड इन द मिसल एंड व्हेन वाटर इज बीइंग रिमूव्ड पानी को बाहर फेंका गया तो साथ में सोप डिटर्जेंट गया वो अपने साथ में डस्ट को भी जो एंट्रैप कर लिया था उसको लेके बाहर चला गया और इस तरीके से ये हमारा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप हुआ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन सोप जो होता है वो हार्ड वाटर में काम नहीं करता है, सोप डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, वाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सोप जो है वो हार्ड वाटर में क्यों नहीं काम करता है, बिकॉज जनरली इट फॉर्म्स स्कम, क्या बना रहता है हार्ड वाटर में, हार्ड वाटर भी दो तरह के होते हैं, एक टेम्पररी हार्डनेस होता है एक परमानेंट हार्डनेस होता है, जो टेम्पररी हार्डनेस होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स, ठीक है, लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, किसकी वजह से होता है क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से होता है। तो होता क्या है जनरली जो कैल्शियम आयन होते हैं, ठीक है, जो कैल्शियम आयन होते हैं वो इस RCONA यानी कि सोडियम कार्बोक्सिलेट को बाइंड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं बाइंड कर लेते हैं एंड ए स्कम इज बीइंग फॉर्म, क्या बन जाता है स्कम, जिसकी वजह से कई आप देखते होंगे ना साबुन के नीचे मलाई सजन जाता है तो वो स्कम फॉर्मेशन होता है, दैट्स व्हाई हार्ड वाटर इज
नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग द क्लोथ्स बाय यूजिंग सोप, बट वी कैन यूज डिटर्जेंट. पर डिटर्जेंट का यूज करके हम वहां पर कर सकते हैं, बिकॉज डिटर्जेंट्स कैन एक्टिवली प्ले देयर रोल इन द हार्ड वाटर, बट फॉर द नॉर्मल वॉशिंग ऑफ द क्लोथ सॉफ्ट वाटर इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो ये हमारे सामने आज का टॉपिक था और हम उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक बहुत पसंद आया होगा और इसी को आप देखिएगा. और ये भी आपका 3 से 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये हर साल आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर. क्वेश्चन आता है कि डिफाइन सोप, राइट द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, और साथ ही साथ कई बार ये आता है कि इसमें कौन सा हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है सोप में, कौन सा हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है, वो आप बता सकते हो. फिर आप बता सकते हो सोप का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आप बता सकते हो कैसे पामिटिक एसिड या स्टियरिक एसिड या ओलिक एसिड या लिनोलिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कंबाइन करके सोप बनाते हैं, क्योंकि सोप तो यही होते हैं पोटेशियम स्टियरेट या पोटेशियम पामिटेट या सोडियम एसिटेट, तो सोडियम स्टियरेट या सोडियम पामिटेट. ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, आपको हम अलग से उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके आंसर्स आपको दे दिए जाएंगे. ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों को बताइएगा, और हम जल्दी ही आपके सामने ऑनलाइन आते हैं. और एक बार चैप्टर खत्म हो जाएगा तो पूरा आपका कंप्लीट रिवीजन कराते हैं और सिर्फ 100 क्वेश्चंस में आपको पूरा का पूरा मार्क्स आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हम दिलाते हैं. See you.